वाल्मीकि नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम माता पिता सद्गुरु देवाय नमः। ओम सूर्य चंद्र नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम श्री और मुनि जा अंदर से जाके घी का डिब्बा तो लेके आना। सब ठीक हो जाएगा, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ अच्छी बात। हाँ बेफिक्र रहिए। ओके नमस्ते विजय। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ सर? बताएं डॉक्टर साहब, गीजर खराब था इसीलिए गैस पर पानी उबालकर मैं नहाने जा रहा था। तभी मेरे हाथ से उबलते पानी की बाल्टी विजय के पांव पर गिर पड़ी। जल्दी से देखिए डॉक्टर साहब, बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ लेटर दीजिए, आइए आजा। कोई कुछ नहीं होगा, आराम से। घबराने की कोई बात नहीं। ये आपने जले पर घी मलाई मिश्र जी। डॉक्टर किस्मत से मुझे माँ जी की पुरानी बात याद आ गई कि जले पर घी लगाने से छाले भी नहीं उठते और जलन भी कम होती है। नहीं, उल्टा घी क्रीम मलहम ये सब घाव पे लगाने से सारी गर्मी शरीर के अंदर ही कैद हो जाती है। लेकिन हमने तो सुना था डॉक्टर साहब कि जले पर घी लगाने से जलन भी कम होती है और छाले भी नहीं उठते। मुझे अफसोस है कि कई लोग इस गलत फहमी का शिकार है। ये कहना भी गलत है कि छाले उठना बुरी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब छाले तो बहुत। हेलो हाँ इमरजेंसी। ओके ओके, जैसे ही वो पहुंचे अंदर भेज देना। अच्छा ओके, आप लोग बगल वाले ड्रेसिंग रूम में चलिए, एक इमरजेंसी केस है। नर्स विजय की ड्रेसिंग कर लेगी, दो दिन बाद चेकअप कराने जरूर आएगी। यह जख्म तो किसी तेजाब से हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से इतना बुरा असर नहीं हुआ। यह दुर्घटना हुई कैसे? हम सब केमिकल वर्क्स में काम करते हैं। रमेश और हरी अपना रोड टैंकर लोड करने फैक्ट्री में पहुंचे। ट्रक की छत पे बैठा था और एसिड की पाइप टैंकर में डाल रहा था कि अचानक हरि ने चिल्लाकर कुछ कहा। रमेश का ध्यान हट गया और एसिड उसके शरीर पर गिर गया। फोरमैन साहब को बुलाया गया। आते ही उन्होंने रमेश को आधे घंटे तक शावर के नीचे खड़ा किया, जले हिस्से को खूब पानी से भिगोया और एम्बुलेंस आने तक रमेश का हौसला बढ़ाया। जले को साफ रखकर उसे साफ सुथरे पट्टी से हल्के से बांध लिया। रमेश को ठंडा पानी भी पिलाया गया ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना रहे। तुम सचमुच बहुत ही खुशकिस्मत हो। यदि फोरमैन तुम्हारा घाव पानी से न धोता तो यह सचमुच बहुत ही गंभीर घाव बन सकता था। याद रहे, पानी ही जलन का प्राथमिक उपचार है। पानी के सही समय डालने से दो फायदे हुए। पहला,
शरीर से गर्मी का तापमान चर्म में उतरा और दूसरा घाव की सही तरीके से सफाई हुई और एसिड बदन में फैलने से रुक गया। अब चंद दिन अस्पताल में बिताकर शौक से घर जा सकते हो और कुछ दिनों बाद काम पर भी लौट सकते हो। और हाँ, अपने फोरमैन को धन्यवाद अवश्य देना, उनकी समझदारी से ही तुम्हारा घाव सेकंड डिग्री तक ही सीमित रहा। ये सेकंड डिग्री बर्न क्या है डॉक्टर साहब? जलन तीन किस्म के होते हैं। जब चर्म की हर सतह तक गर्मी या जलन न पहुंची हो तो उसे पार्शियल थिकनेस या फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। इसका इलाज 7 या 10 दिनों का होता है। डीप पार्शियल थिकनेस या सेकेंड डिग्री बर्न में चर्म की गहराई तक गर्मी पहुंचती है लेकिन चर्म की हर सतह पर असर नहीं होता। इसके इलाज में 10 दिन से 3 हफ्ते तक लग सकते हैं और यही जलन तुम्हें हुई है। जब गर्मी सारी चमड़ी को जला दे तो उसे फुल थिकनेस या थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। हाँ, बदन के जले हुए हिस्से पर चमड़ी का दोबारा आना नामुमकिन है और एक ऑपरेशन की भी जरूरत आ पड़ सकती है। स्किन ग्राफ्टिंग यानी बदन के किसी और हिस्से से चर्म को निकाल कर जले हुए हिस्से पर ग्राफ्ट किया जाता है। ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब रमेश के हाथ पर छाले आएंगे, उसका क्या इलाज है? छाले ही तो इलाज है। पानी जले पर पड़ने से छाले तो जरूर होंगे, लेकिन ये अच्छी निशानी है। छाले तो साबित करते हैं कि जले हिस्से में गर्मी ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंची है, केवल चर्म के ऊपरी भाग तक ही सीमित है। जब कभी केमिकल आदि खतरनाक पदार्थों के साथ काम करना हो तो ये कुछ बातें जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं पर हमारी जिंदगी और मौत निर्भर है। रसायनों के साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को उनके रासायनिक गुण, अग्नि क्षमता और उनका शरीर पर असर के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ये जानकारी आपात स्थिति में बहुत काम आ सकती है। शरीर को घाव अथवा जलन आदि से बचाने श्वसन या गैर श्वसन बचाव सामग्री का उपयोग जरूरी है, जैसे चश्मा, फेस शील्ड, एप्रन, दस्ताने, जूते, गैस त्राण इत्यादि। घातक रसायन पदार्थ बनाने वाले कारखानों में उचित जगहों पर सेफ्टी शावर्स और आई वॉश फवारों का होना जरूरी है। रासायनिक पदार्थों की छूट पर ही शरीर के प्रभावित भाग को उस वक्त तक पानी देना चाहिए जब तक कि जलन और क्षोभ कम न हो जाए। मरीज को जल्द से जल्द औषधि केंद्र पहुंचाना जरूरी है ताकि प्रशिक्षित व्यक्ति उसका उचित इलाज कर सके। इसके बाद मरीज को बर्न सेंटर पहुंचाया जाना चाहिए। चलिए, इस फॉर्म पे मैंने लिख दिया है, रमेश को एडमिट करा दें। माया शर्मा। हाँ हाँ, बताइए क्या हुआ? लगता है बहुत गहरा जख्म है डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। चलो आइए, आप यहाँ लेट जाइए। आप जरा देख ले डॉक्टर साहब। हाँ, ये दुर्घटना हुई कैसे? बात कुछ समझ में नहीं आती डॉक्टर साहब। रोज की तरह माया रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी, कुछ तेल चूल्हे पर पड़ा, चिंगारी उड़ी और आग ने माया की साड़ी के पल्लू को लपक लिया। वो चीखती हुई मेरे पास कमरे में आई, मैंने अलमारी से कंबल निकालकर उसे लपेट लिया। आग बुझते ही मैं उसे आपके पास लेके आया हूँ। वो जल्दी से ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? सुनने में शायद आपको बुरा लगे, लेकिन कंबल लिपटाकर आपने माया जी की कोई मदद नहीं की, बल्कि उनके घावों को बढ़ावा दिया है। जी जी हाँ। क्या मतलब? मेरी कोशिश तो हर कोशिश मदद नहीं साबित होती। शरीर को नुकसान आग से ज्यादा गर्मी से होता है। शरीर के कपड़ों ने अगर आग पकड़ ली हो तो सही तरीका है पानी डालकर आग को बुझा दें। अगर पानी करीब न हो तो रुक जाए, जमीन पर लेट जाए और लोटिए। तब तक लोटिए जब तक आग बुझ न जाए। इन दोनों क्रियाओं को साथ साथ भी किया जा सकता है। ठंडे पानी के लिए रेफ्रिजरेटर ढूंढने या भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं, साफ सुथरा पानी भी चल सकता है। तब तक पानी डालते रहें जब तक जलन कम न हो जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अगले हफ्ते विजय को चेकअप कराने ले आएंगे। आइए मिस्टर जी, मैं इन्हें कुछ जरूरी जानकारी दे रहा था, आप भी सुन लें ताकि अगली बार जलन के घावों पर घिया मक्खन नहीं लगाएंगे। बैठिए। जब कोई जलन हो तो गर्मी सबसे पहले चर्म के अंदर जा बैठती है।
जले हिस्से पर पानी डालने से गर्मी का तापमान उतरता है और राहत पहुंचती है। इसका नतीजा घाव की सफाई और चमड़े को तुरंत आराम। ठंडे पानी की भी खास जरूरत नहीं है। पानी गर्मी को चमड़े के अंदर से निकालती है और चर्म के ऊपरी सतह तक ले आती है। घी, क्रीम, मलहम, ये सब गर्मी को शरीर में ही कैद रखते हैं, यानी पानी का बिल्कुल उल्टा असर। इसका नतीजा चमड़ी पूरी तरह पक जाती है और एक मामूली सा घाव काफी गंभीर बन सकता है। परंतु सबसे अच्छा तो यही है कि आग न लगे। अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो आग से बचाव हो सकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। खाना पकाते ही गैस सिलेंडर और बर्नर को याद से बंद करें। समय समय पर ट्यूब की जांच करें। कोई भी शक होने पर उसे जरूर बदलें। अगर गैस की दुर्गंध का जरा भी शक हो तो माचिस न जलाएं। बिजली के एक स्विच को भी न छुएं। सिलेंडर वॉल्व और बर्नर नॉब बंद करें। दरवाजे खिड़कियां खोलें और डीलर को खबर कर दें। बच्चों को रसोई में खेलना नहीं चाहिए। खाना पकाते समय टाइट कपड़े पहने, अपने पल्लू को कमर से कस के बांधे और केश भी बांधे रखें। चूल्हे को जमीन पे नहीं बल्कि किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। प्रेशर चूल्हे से ISI मार्क वाले बत्ती के चूल्हों का इस्तेमाल करना अधिक सुरक्षित है। पटाखे जलाते समय सावधान रहिए और रासायनिक पदार्थों के संग सूचित सुरक्षा नियमों का पालन करें। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप गौर करें तो दुर्घटना आपसे कोसों दूर रहेगी। हाँ, अगर बदकिस्मती से आप किसी दुर्घटना का शिकार हो ही गए और आपको जलन से मुकाबला करना पड़े तो सबसे पहला और समझदारी का कदम है पानी।